देखो प्रॉपर एयरपोर्ट की तरह अराइवल, और ऐसे में जैसे एयरपोर्ट पे होता है ऐसे बना रखा है पूरा। एनी ऑफ योर चॉइस, लिटिल बिट स्पाइसी। सर Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out. Swagat hai bhai aap sabka. Hello everyone, swagat hai bhai aap sabka meri ek aur nayi video mein, ek aur naye din mein. आज सेकंड डे है। कल मैं फेरी से यहाँ पे आ गया था, मैं हूँ अभी चेनांग बीच पे। कल मैं यहाँ पे आ गया था लंकावी में लगभग 2 बजे के आसपास। जो पोर्ट था, फेरी पोर्ट था, वहाँ से उतरने के बाद मैंने कोई होटल से बुक करवाया नहीं था यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आया। एक चीज़ कल वाली थी, तो कल एक तो मैं थका हुआ था, पूरी रात बस में ट्रैवल किया था मलाका से यहाँ पे कोलापल्लिस तक, उसके बाद फेरी में, उसके बाद मतलब बहुत थका हुआ था। फ़ोन में बैटरी नहीं थी, स्टोरेज नहीं थी, तो मैंने ठीक समझा पहले कहीं स्टे करता हूँ। कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, अभी मैं बीच के पास हूँ। कल मैं फेरी अच्छी थी, बस जर्नी भी अच्छी थी। फेरी मेरे को पड़ी 27 रिंगेट्स की। उसके बाद मैं पोर्ट पे उतरा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाना है, क्या करना है। यहाँ पे कोई मैंने प्लान तो किया नहीं था कि मुझे यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, तो बस निकल गया था मैं ऐसे ही। तो मैंने पहले ये सोचा, पहले मैंने सारी चीज़ें देखी, मैंने टैक्सीज देखी कितने की हैं, मैंने आपको यहाँ पे पब्लिक कन्वेंस नहीं है, मेट्रो बस जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे या तो आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, स्कूटी हायर करनी पड़ेगी, ऐसे ये सब है। तो मैंने पहले सबसे पहले रिलैक्स होके वहाँ पर पहले सबवे पर कुछ खाया, फिर मैंने टैक्सी देखी। टैक्सी थी नॉर्मल जो टैक्सी होती है, सेडान टैक्सी, वो होती 25 रिंगेट्स की होती है चेनांग बीच तक आने के लिए। चेनांग बीच एक अच्छा बीच है, यहाँ पे फेमस बीच है वो है। वहाँ से लगभग किलोमीटर्स काफ़ी हैं लेकिन जो रास्ता है वो बहुत क्लियर है, ज़्यादा देर लगती नहीं है। मतलब आधे घंटे में अप्रोक्स, आधे या 30-40 मिनट्स में आप यहाँ पर आ जाते हो। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पर मैंने सोचा पहले अब हाँ टैक्सी मिली 25 रिंगेट्स की, और स्कूटी अगर आप हायर कर सकते हो पूरे दिन के लिए, मतलब 40 रिंगेट्स फॉर 2 डेज, तो वो सस्ता ऑप्शन था, अच्छा ऑप्शन था, गाड़ी भी रेंट कर सकते हो। लेकिन कल कोई हेक्टिक लेने का कोई टेंशन ऐसा वो लेने का मन नहीं था मेरा। मैंने सोचा पहले बीच पे पहुँचते हैं, फिर दिमाग काम करेगा क्या करूँगा। तो सबसे पहले मैं आ गया बीच पे आ गया, उसके बाद मैं होटल ढूंढने शुरू करे। होटल्स मुझे कुछ खास नहीं मिले। हाँ, उससे भी पहले बात, जब मैं मैंने इनोवा करी, मैंने वहाँ से इनोवा करी, अकेला इनोवा में आया मैं यहाँ तक बीच तक। फिर जैसे ही मैं अब सबसे पहली बात, यहाँ पे इनोवा मिल गई मुझे 25 रिंगेट्स में। वो 30 रिंगेट्स मांग रहा था, मैंने बार्गेन कर लिया, 25 रिंगेट्स में इनोवा मिल गई। और उस बंदे ने मुझे जैसी, बहुत अच्छा बंदा था वो, मतलब 25 रिंगेट्स से कितने 500 रुपये के आसपास हुआ, ठीक था, थोड़ा सा लगा लेकिन बड़ी गाड़ी थी, इट्स ठीक है। लेकिन फिर मैं जैसी मैं पास, एक तो मैंने समुद्री पहली बार देखा था, जैसी वो बीच वाला एरिया है, मतलब पूरा ऐसे दिमाग फट गया मेरा कि यार इतना सुंदर, मैंने समुद्री कल पहली बार देखा था, और बीच देख के तो बिल्कुल ही ऐसे हो गया कि मतलब बहुत ही सुंदर था। मैं आपको फोटो शेयर करूंगा। उसके बाद मैं थोड़ी देर होटल से वगैरह ढूंढे, मुझे बस स्टे करना था थोड़ी देर के लिए, और क्योंकि सोया नहीं था, थका हुआ था। मैंने सबसे पहले आके एक गेस्ट हाउस देखा, ये बाहर से बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने बुक करवा दिया। तो कभी इस गेस्ट हाउस में हूँ मैं, ये गेस्ट हाउस है, यहाँ पर सारे अंग्रेज रुके हुए हैं, यहाँ सारे अंग्रेज रुके हैं। एक इंडियन फैमिली है यहाँ पर थर्ड रूम में रुकी हुई है, कल उनसे मेरी बात हुई थी, अच्छे लोग हैं काफ़ी। तो ये गेस्ट हाउस है, ये मेरा कमरा है, मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ एक बार। देखो ये ऐसा बेकार सा कमरा है, बेकार सा क्या, नॉर्मल सा है, किसी को स्टे करना हो तो ये वॉशरूम है। लेकिन मैं अपनी बताता हूँ, मैंने एक चीज़ नोटिस करी अपनी फर्स्ट सोलो ट्रैवल ट्रिप में, कि मैं किसी एवरेज से होटल में या फिर जहाँ थोड़ा सा सफाई की कमी हो, मैं नहीं रुक सकता। जैसे फर्स्ट डे हुआ था मेरे साथ, मैंने डॉर्म बुक करवा लिया था, तो वो चीज़ मेरे लिए नहीं है
कि मैं कहीं भी रुक जाऊं। शायद आप लोगों के साथ भी होता होगा या काफी लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे, अगर स्टे अच्छा नहीं होता तो पूरा दिन खराब हो जाता है, पूरा ट्रिप खराब हो जाती है। तो मैं ये कहता हूं कि मेरे हिसाब से मैंने स्टे अच्छा लेना चाहिए। मैंने अभी तक सिर्फ एक बार वो डॉर्म गलत लिया था, दूसरा ये रूम मुझे ठीक लग रहा था फोटोज वगैरह में, तो मैंने बुक करवा दिया था क्योंकि पूरा बाहर अच्छा व्यू था। देखो नोटबुक बहुत सुंदर है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया था, तो मैंने ये बुक करवा दिया। अब यहाँ के पता चला कि मतलब थोड़ा सा, एक तो कलर पता नहीं क्यों ऐसे चूज करते हैं पिंक ब्लू टाइप के, थोड़ा गंदा सा लग रहा है मुझे। तो जब ना रूम अच्छा नहीं होता ना तो आप ठीक से फ्रेश नहीं हो पाते, नहा नहीं पाते। मैं नहाता नहीं हूँ, अगर रूम अच्छा नहीं होता मैं ठीक से सो भी नहीं पाता, अपने कपड़े ही ढक के सोता हूँ मैं, इनकी ब्लैंकेट शीट्स वगैरह नहीं उठ सकता, फिर मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। तो यही होता है, अगर रूम अच्छा नहीं मिलता, स्टे अच्छा नहीं होता, पूरा दिन खराब हो जाता है, आप घूम नहीं सकते क्योंकि अब मैं नहाया धोया भी नहीं हूँ। अब मैंने एक होटल लिया है, अब लगभग 3500 रुपये के आसपास था, मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिल गया है। बीच पे होटल है, होटल के अंदर पूल है, पहले मैं ठीक से रेस्ट करूंगा, शावर लूंगा, उसके बाद बीच के सामने, मतलब बीच व्यू होटल है, सामने ही बीच है, बीच पे ही होटल है, बहुत सही होटल लिया है मैंने, वहाँ पे स्टे करूंगा। 3 बजे मेरा चेकिंग है, जब तक मैं आपको घुमाता हूँ एक बार यहाँ पे क्या क्या है। रात को मैं बीच पे गया था, बहुत अच्छा नज़ारा था, सुबह में गया बहुत अच्छा नज़ारा था, मतलब बीच तो मैंने पहली बार देखा और मुझे बहुत अच्छा लग गया। बाकी सारे मोस्टली अंग्रेज आए हुए हैं यहाँ पे। तो चेकआउट मैंने कर दिया, अभी भी वो रिसेप्शन पे नहीं थी। और हाँ, मैंने आपको बताया नहीं, जब मैं आया रिसेप्शन पे नहीं था कोई भी, बार बार फ़ोन करके बुलाना पड़ता है इन्हें, दो नंबर लिखे हुए हैं, दोनों ही नहीं है वहाँ पे, बार बार बुलाना पड़ता है, पानी दे दो, कोई मतलब कुछ भी नहीं है। बड़ ज़बरदस्त गेस्ट हाउस बना रखा है, कोई सर्विस कुछ भी नहीं था, ऊपर से रूम गंदे से पड़े थे। चलो छोड़ो, वो मैंने चेकआउट कर दिया, अभी फ़ोन करके बताया कि चाबी टेबल पर डाल दी आपकी। तो एक तो जैसी बस में, जैसी थोड़ा सा ये वाला एरिया आया था कोला पर्लिस वाला, लुक्स बिल्कुल चेंज हो गए, एकदम लैंडस्केप चेंज हो गया, व्यूज़ बिल्कुल चेंज हो गए। और जैसे ही मैं लंका भी पहुंचा, ये लगता ही नहीं है कोला मलेशिया का पार्ट है, ये मलेशिया लगता ही नहीं है। मलेशिया जैसे कोलालंपुर वगैरह पूरा वो था ना कंक्रीट जंगल, ये इतना ही सुंदर, उससे उल्टा बिल्कुल, मतलब जो व्यूज़ वगैरह थे सब चेंज हो गए बिल्कुल, एक चांस से चेंज हो गया बिल्कुल, बिल्कुल ग्रीनरी ग्रीनरी जंगल पूरा, ये बहुत सुंदर है। मैंने गलती करी, पहले यहाँ आता यहाँ ज़्यादा टाइम बिताता, अब मैं थक गया हूँ यहाँ, आपसे रेस्ट करूँगा, जगह बहुत है पर घूमूंगा कम। तो अभी जो मैंने होटल बुक किया है उसका नाम है माली बेस्ट, वहाँ जा रहा हूँ। 3 बजे का चेकआउट चेक इन है, एक कोशिश करता हूँ अगर वो थोड़ा जल्दी चेक इन करवा देते हैं तो, क्योंकि फिर मैं घूमने जाऊँगा बीच वगैरह पर, आपको दिखाऊँगा थोड़ा एक दिन, कोशिश करूँगा अगर फिर सब कुछ, अगर थकान थोड़ी कम हो गई तो स्कूटी रेंट करूँगा फिर। देखो ये है माली बेस्ट रिजॉर्ट, ये इसका फ्रंट साइड है, बैक साइड यहाँ पे इसका बीच की तरफ है, वो ज़्यादा सुंदर है, ये इसकी एंट्रेंस है। आई हैव अ बुकिंग, इज इट पॉसिबल इफ आई वांट टू चेक इन अर्ली? नो, ये देखो आप नज़ारे, ये देखना है यहाँ पे प्लेन कितना नीचे से जा रहा है, आइलैंड के बिल्कुल ऊपर से जा रहा है, ये वही होगा लंका भी एयरपोर्ट वाला। तो यार ये लोकल यहाँ पे रेस्टोरेंट पे आ गया था, इंडियन रेस्टोरेंट है ये, प्लेन डोसा दिया है इन्होंने दाल चटनी के साथ, और ये सब्जी करी है वेज है सारा, और ये एक लोकल कॉफ़ी है यहाँ की जो दूध के साथ दी है इन्होंने। इंडियन रेस्टोरेंट है, टोनी रेस्टोरेंट है ये, टोनीज कॉर्नर ये। पर खाना मैंने खा लिया, खाना बहुत ज़्यादा था, रेस्टोरेंट यहीं पे था, ये जो मेरा गेस्ट हाउस था ना, ये मेरा गेस्ट हाउस था, ये रेस्टोरेंट है टोनीज कॉर्नर करके। बिल बना मेरा 21 रिंगेट का, और बहुत ज़्यादा खा लिया, और बच गया, मैं पूरा नहीं खा पाया, छोड़ के आ गया मैं, बहुत सारा छोड़ के आ गया, क्योंकि एज अ इंडियन इन्होंने भी खाना भर भर के दिया था, इतना बड़ा मग कॉफ़ी का पूरी भर भर के 2 प्लेट, 21 रिंगेट का बिल बना। वैसे जो ओनर थे वो साउथ इंडियन थे, और जो सर्वर था वो पाकिस्तानी था, फ्रॉम लाहौर,
बहुत अच्छा लड़का था, एक बार आप ट्राई कर सकते हो अगर यहाँ पर आओगे तो। सोसो खाना है, बहुत टेस्टी नहीं है पर अच्छा है, पर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा लगा पर ठीक है हर चीज़ का। ज़्यादा वीडियो में अंदर से नहीं बना पाया क्योंकि मेरी बैटरी लो हो जाती है बार बार फ़ोन की, चार्जिंग पे लग रहा था तो फोटोज़ वगैरह स्नैप क्लिक कर लिया है मैंने। बाकी मैं अभी कोई शॉर्ट्स देख रहा हूँ, कोई अच्छे शॉर्ट्स मिल जाते हैं तो पहनने के लिए, क्योंकि वो पूल के लिए और सी में बीच पे जाने के लिए मेरे पे कोई शॉर्ट्स नहीं है। शॉर्ट्स देखता हूँ कोई अच्छे मिलते हैं तो। Hi, I'm looking for a beach shot. Huh? I'm looking for a beach shot. Beach shot already here? Okay. What would be my size? This one free size, beach shot. All are free size? Yeah. But I think this is small. No? Same. Same? Yeah, same size. This this will come to me? The color? How much for this? 25. And this? 110. Why? Is it better in quality? This one better quality. Okay. These are all colors. Any other another options? After you want black color? No. After these size, all the size are free size. Free size. Can we wear this in swimming pool? Swimming pool. Can we? No. Can. You can buy swimming pool already here. Oh, swimming pool shorts are these. So, how much for this? This one 35. Oh, these are This one boxers. Okay. Already boxer lah. These are for girls. They are for girls. They were for men. They were for men. They are short. Okay. This one long. तो यार ये short ले लिया है मैंने बीच पे पहनने के लिए, पूल में भी पहन लूंगा, देखता हूँ अगर अच्छा लगा। ये उन्होंने दिया है 25 रिंग, नहीं आई थिंक ये छोटा वाला है फ्री साइज देन के पास सारे, ये 15 रिंगिट का दिया है। अगर ये सही लगा तो मैं और ले लूँगा थोड़े बहुत घर के लिए, वरना मैं बड़े वाले ले लूँगा। बड़े वाले भी साइज़ में है, एक 25 रिंगिट्स का है, एक 10 रिंगिट्स का है। 10 वाले क्वालिटी थोड़ी सही नहीं लग रही तो देखता हूँ थोड़ा सा कोई और ले लूँगा, वरना अभी मैं इसको ट्राई करूँगा पहले कैसी क्वालिटी है, फिर मैं शाम को और लेके जाऊँगा। चेक इन मिल गया, ये रूम की कीज़ हैं, 100 रिंगेट्स इन्होंने डिपॉजिट रखवाए हैं, जो सब रखवाते हैं यहाँ पे जो रिफंडेबल होते हैं, 3 रिंगेट हेरिटेज फीस लिए इन्होंने। तो अब मैं रूम की तरफ जा रहा हूँ, स्विमिंग पूल फ्री है मेरे साथ रूम के साथ और कुछ नहीं है। रूम पर मैं यहाँ पे गलत चला गया, 225 है यहाँ पे, सारे जो रूम्स हैं वो 2000 है। मेरा है 225, तो दूसरी बिल्डिंग में है। तो इस बिल्डिंग में है अपना रूम, सामने ये बीच है, इस बिल्डिंग में रूम है अपना, पूल के सामने वाला, ये रहा पूल, ये रहा समुद्र और ये रहा अपना रूम बिल्डिंग। रूम देख लो भाई,
ओके सो सो टू ओपन दिस यहाँ से है सी इतना सा ठीक है रूम देख लो अच्छा है रूम तो ठीक है मतलब अब मैं आराम से रेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे चलो मेरी बार में क्या है खाली पड़ा है लॉकर है सही है चलो भाई मैं हो गया हूँ रेडी अब जाऊंगा थोड़ी देर बीच पे और स्विमिंग पूल है इनका वो देख के आऊंगा कैसा है स्विमिंग पूल पे जाऊंगा और थोड़ा देर बीच पे रेस्ट करेंगे टाइम हो रहा है 4 बजे के आसपास इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ वरना ये देखो बाहर कैसा मौसम हो रहा है ये है समुद्र फिर थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो चीज़ें दिखेंगी नहीं मैं जा रहा हूँ बाकी रूम ठीक ठाक है ज़्यादा कुछ बहुत अच्छा नहीं है जिस हिसाब से उन्होंने पैसे लिए पर ओके ओके है चलो चलते हैं बाहर ये आ गया भाई मैं बीच पे अब थोड़ी देर जाते हैं अंदर मैं पहली बार जा रहा हूँ पहली बार लाइफ में किसी बीच के अंदर जाऊँगा बीच में बीच के आ रहा हूँ समुद्र के अंदर जाऊँगा मैं नहीं गया आज तक